सुना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं हाथीगदा मंदिर, वाले गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं। कौन कौन है? जय श्री राम दोस्तों। तो आज ही हम लोग निकल चुके हैं हाथीगदा मंदिर की और इस सुहानी मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग अभी चल रहे हैं NH हाईवे में। और चलते ही चलते रास्ते में एक देखने को मिल चुका है हमको एक बहुत ही प्यारा मंदिर। ये देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है, मतलब हाईवे रोड का एक नज़ारा ही बदल दिया है, इतना प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर दोस्तों टाटा पहुँचने वाले थे और यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिल चुका है जो देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से लोग मतलब मन्नत मांगे थे भगवान से और इस तरह से जा रहे हैं। ओ भाई, देख के बहुत भयंकर लग रहा है हमको। तो चलो इस चीज़ का आनंद आप लोगों को कैसा लगा, किस चीज़ को पता है, ये सब हमको कमेंट करके जरूर बताना। और ये टाटा बाजार का भीड़ भड़क्का हमेशा रहता ही रहता है, मतलब गाड़ी चारों तरफ आप लोग को गाड़ी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग भी गाड़ी को देखते देखते आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखते ही देखते अभी हम लोग झारखंड के हरियाली वाली जगह में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग है टाटा डिमना झील के पीछे वाले साइड से होके जा रहे हैं। और ये झारखंड की जो मतलब चारों तरफ जो ये हरियाली, पेड़ पौधे और मतलब झाड़ियाँ ना, इसका एक अलग ही मतलब सुहानी मौसम का नज़ारा दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी धूप बिल्कुल नहीं है और इस मौसम का आनंद लेते हुए जाने का मज़ा ही कुछ और लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में ये मतलब झाड़ी वाड़ी देख के मतलब मज़ा ही आ गया। और ये रहा टाटा डिमना झील का पीछे का नज़ारा। तो ये हम लोग साइड में आ चुके हैं और यहाँ पर ओ भाई बम्पर ओ भयंकर स्पीड ब्रेकर है, मतलब तीन ऐसा स्पीड ब्रेकर है ना, मतलब गाड़ी वगैरह हिल ही नहीं पा रहा था। चलो फाइनली अभी हम लोग टाटा डिमना झील का मतलब जो पीछे का साइड है आप लोगों को दिखा दिया, ये देख सकते हो और एक बार। और देखते ही देखते मज़ा करते ही करते हम लोग पहुंच चुके हैं गांव वाले जगह में। तो अब ये वाला गांव को पार करते ही हम लोग को मिल जाएगा हाथीगदा बाबा के मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन करवा देंगे। तो चलिए हम लोग फाइनली पहुंच ही चुके हैं हाथीगदा मंदिर। और यहां पर चारों ओर देख सकते हो, मतलब चारों नहीं एक ही साइड में गाड़ी लगे हुए हैं। आगे और एक पार्किंग है, यहाँ पर एक पार्किंग है, ये पीछे वाला है और आगे वाला उधर से आएगा। तो हम लोग पीछे वाले साइड में गाड़ी को लगाएंगे और फिर हम लोग पैदल जाएंगे यहाँ से मंदिर की ओर। तो जय श्री राम दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हाथीगदा मंदिर और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। और ये रहा इसका नज़ारा। तो यहाँ से हम लोग पीछे के साइड से एंटर हुआ है, तो इसलिए हम लोग यार पीछे के साइड से अभी दुकानदारी देखने को मिल चुका है। इधर दुकानदारी लगे हैं। तो देखते हैं कितना सारा भीड़ हुआ है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये है ये गेट, और आप लोगों को जो दिखाया हुआ था मैन वाला गेट इधर देखो ना सर। इधर से जा सकते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं इधर से जाएंगे। और चलिए हम लोग भी चलते हैं आगे की ओर। पूरा चेहरे का हालत पूरा धूल से ख़राब हो चुका है, तो अभी पूरा मुँह हाथ धोएंगे उसके बाद ही जाएंगे अंदर की ओर। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जितना सर हम लोग का शू वगैरह था सब ने यहाँ पर शू को अपने अपने खोल के यहाँ पर एक ही जगह पर रख दिए हैं और सब लोग यहाँ पर हैं। आगे कुछ चले गए हैं। तो अभी हम लोग अंदर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे के आगे। तो देखते हैं कहाँ क्या थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे। तो सबसे पहले पूजा वगैरह का सामान खरीदेंगे पूजा करने का, उसके बाद ही आप लोगों को नज़ारा घुमाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमने पूरा फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। हम लोग मुँह हाथ में पानी वगैरह ले लिए हैं। देखो लंबा लग गया। अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन वगैरह लगा चुके हैं और लाइन इतना लंबा है कि क्या ही बात होगा। सब लोगों को लगता है सुबह से शाम हो जाएगा, देख सकते हो। तो इतना ज़्यादा लाइन का लंबा है। आए थे ऊपर
तो हम लोग अभी मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं, पूजा वगैरह कर लेते हैं और फिर आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह। कल सुबह तो हम लोग का पूजा हो चुका है, तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं वापस। तो वापस अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, पूजा वगैरह हम लोग का डन हो चुका है, तो कुछ यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। राजू इधर फोटो ना, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग वापस नीचे, थोड़ा सा भी आप लोग को ये वाला तालाब का नज़ारा दिखाएंगे, तालाब की ओर जाएंगे फिर वापस बाहर की ओर जाएंगे। और इस तरह का नज़ारा देख लो पीछे साइड का, जो मतलब पूजा करके जिधर से आता है, और यहाँ पर लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए उसको कुछ चक्कर वगैरह आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग पूजा करके आके यहाँ पर आप लोग धूप वगैरह जलाएंगे, तो यहाँ पर धूप वगैरह जलाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर के चारों ओर का नज़ारा। मंदिर का नज़ारा उधर इस साइड इस प्रकार से, तो फिलहाल आप लोग जाएंगे आगे इधर। और अभी हम लोग आए हैं थोड़ा सा देर घूमने के लिए, तो देखते हैं घूम के क्या क्या है। इधर इधर हम लोग आए दूसरे साइड से, और इधर एक एक साइड है, इधर बाइक कार वगैरह लगाए हैं पार्किंग। सुबह जब घर से निकला था तो इतना ज़्यादा धूप नहीं था, और अभी तो इतना ज़्यादा धूप लग रहा है ना, घूमने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इधर काफ़ी सारे सब्जी वगैरह बैठे हैं, इधर भी सब्जी, इधर दुकानदारी। हाँ तो गाइस अभी हम लोग दो भाई को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं बोल रहे हैं कि तुमरा कान का ऐसा कर ले कि खुजते आगे देखे ले के क्या तो नया है, तब पर बोल भी गोटा कि खुजे बोलची रोड पे। गोटा बोलते किटा हुलो तो हम लोग का पूजा वगैरह हो चुका है, सब कुछ हो गया, जितना मंदिर में घूमना वगैरह था और सब कुछ कर लिया है, और अभी वापस हम लोग जो हम लोग गाड़ी में आया था वहाँ से अभी जाएंगे। तो अब हम सभी लोग आ चुके हैं वापस गाड़ी के सामने, तो जो दो बंदे खो चुका था उसे भी ढूंढ के ला चुके हैं, और वहाँ पर गाड़ी खड़ा करके रखा था, तो अभी गाड़ी को इधर से लगा के लेके आए हैं यहाँ पर, मतलब जो छाव है पेड़ के नीचे यहाँ पर गाड़ी को लगा दिए, सभी एक एक करके लोड हो रहे हैं, फिर हम भी लोड हो जाएंगे सब होने के बाद, और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो हाथीगदा मंदिर को टाटा बाय बाय करते हुए अभी हम लोग निकल चुके हैं रास्ते पर, और अभी हम लोग रास्ते में चलते ही चलते हम लोग टाटा बाजार पहुँच चुके हैं, और चारों तरफ का जो गाड़ी का मतलब एक नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, मतलब भयंकर है, और धूप भी भयंकर है, मतलब देख सकते बादल का हालत, ओ भाई मतलब इतना ज़्यादा धूप दे रहे हैं ना, मतलब चेहरे का जो हालत है ना, मतलब पूरा एकदम बिखर दे रहा है, मतलब इतना ज़्यादा धूप दे रहा है मतलब। तो चलिए, और इस चारों तरफ का मतलब गाड़ी का जो एक नज़ारा है इसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस चीज़ का आनंद हम भी ले रहे हैं और साथ में आप लोग भी लीजिए, और इस ब्लॉग को आज रास्ते में ही ख़त्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।